नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, मैथ का पार्ट नंबर 69 है। दोस्तों, आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले आप सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको समझा रहा हूं आसान तरीका। देखिए यहां पे कह रहा है शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। तो शादी के समय कितने लोग हैं? एक औरत है और उसका पति। टोटल कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। औसत आयु क्या है दोस्तों? ये 23 वर्ष है। तो इनके आयु का योग निकालेंगे। आयु का योग इनका क्या होगा? दोनों आयु का, दोनों लोगों का आयु का योग क्या होगा? 23 × 2, यानी 2 लोग हैं तो 2 × 23 कर लीजिए। तो टोटल आयु का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 × 46 वर्ष। दोनों का आयु का योग क्या हो जाएगा पति पत्नी की? 46 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है आगे देखिएगा, आगे कह रहा है 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। तो 5 वर्ष के बाद दोनों लोगों की आयु का योग क्या होगा दोस्तों? बताइएगा, दोनों लोगों के 5 वर्ष के बाद आयु का योग क्या होगा? 5 × क्या करना है दोस्तों? 2 × 5, यानी कि 10 वर्ष और इन लोगों में बढ़ जाएगा। 5 वर्ष के बाद आयु का इनके दोनों लोगों का योग क्या होगा दोस्तों? 2 वर्ष और जुड़ जाएगा, यानी कि 46 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 56 वर्ष के हो जाएंगे। और इनके पास क्या है दोस्तों? 1 वर्ष का एक बच्चा भी है। तो 56 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल कितने आयु का योग हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा, 5 वर्ष के बाद एक बच्चा भी है तो टोटल आयु का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? तीनों लोगों का 57 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 57 वर्ष। सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है? तो 57 वर्ष हो जाएंगे। अब लोग कितने हैं दोस्तों? अब पूछ रहा है अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। तो टोटल आयु का योग क्या है दोस्तों? 57 है। लोग कितने हैं दोस्तों? अब 3 लोग हो गए, पति पत्नी और एक बच्चा। तो क्या करेंगे औसत के लिए? टोटल आयु का योग को लोगों की संख्या जितनी है भाग दे देंगे, यानी कि 57 को 3 से भाग कर देंगे तो पूरे परिवार की औसत आयु आ जाएगी। ठीक है, तो 57 को दोस्तों 3 से भाग करेंगे तो 3 × 3, उसके बाद से क्या होगा? 3 × 9 = 27, यानी 19। 19 से 57 होता है तो पूरे परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 19 वर्ष किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है आपको। ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 लोग है, आयु का योग क्या है दोस्तों? औसत आयु क्या है? 23 वर्ष। तो आयु का योग क्या होगा? 46 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? दोनों में 10 वर्ष जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 46 में 10 तो 10 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। और 1 वर्ष का एक बच्चा भी है तो 1 वर्ष और जोड़ दीजिए। टोटल आयु का योग क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। अब लोग कितने हैं? 3। 3 से भाग कर दीजिए, 19 बार में चला जाएगा। औसत आयु क्या आ जाएगा पूरे परिवार का? 19 वर्ष। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आसान तरीका बता रहा हूं। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? ये क्वेश्चन है। तो पहले दोस्तों मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना भी जरूरी होता है, आप समझ लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है दोस्तों, राजीव को 20% अंक मिला है और 24 अंकों से क्या है? अनुत्तीर्ण हो गया है, यानी फेल हो गया है। अगर जो दोस्तों राजीव को 24 अंक और मिल जाता तो यह क्या हो जाता दोस्तों? राजीव पास हो जाता एग्जाम में। लेकिन आगे देखिएगा, अगले लाइन में कह रहा है अरविंद भी है जिसको 45% अंक मिला है और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया है, यानी कि
पास हो गया है, यानी ये इसे क्या है दोस्तों 26 अंक इसे ज्यादा मिला है। ठीक है, अगर इसे दोस्तों 26 अंक कम भी मिला होता तब भी ये क्या होता दोस्तों पास ही होता। उत्तीर्णांक से इसे क्या है दोस्तों 26 अंक अधिक है, यानी 26 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है। पूछ रहा है दोस्तों परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, करना क्या है दोस्तों देखिए राजीव है क्या है दोस्तों ये 20% अंक पाया है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है। अगर मैं बोलूं दोस्तों ये 20% पाया है और हम इसे 24 अंक दे देते यानी और ये 24 अंक पा जाता तो ये क्या होता पास हो जाता। यहां तक तो क्लियर है। चलिए बराबर में इधर हम लिखते हैं जो अरविंद है 45% अंक मिला है, अरविंद को कितना मिला है दोस्तों 45% अंक मिला है और 26 अंक क्या है दोस्तों 26 अंक से उत्तीर्ण हुआ यानी 26 अंक इसे ज्यादा है। तो अगर इसे दोस्तों 26 अंक कम मिलता तो ये क्या होता दोस्तों ये भी पास होता। हम क्या किए हैं दोस्तों यहाँ पे दोनों साइड में हम पास किए हैं। ठीक है, दोनों साइड में क्या किया है दोस्तों पास किए हैं। तो देखिए अब आपको करना क्या है, परसेंटेज को दोस्तों एक तरफ करना है और जो संख्या है उसको एक तरफ करना है। ठीक है, तो ये देखिएगा ये दोस्तों क्या है 20% है और ये 45% है, तो बराबर के इधर 20% जाएगा, इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 45% में से 20% घटेगा तो क्या होगा दोस्तों 25% हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये दोस्तों देखिएगा इधर माइनस 26 है, बराबर के ये इधर आएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा बताइएगा, बराबर के ये इधर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 24 में 26 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 50 होगा, समझ में आ रहा है ना। 25% बराबर दोस्तों 50 अंक, तो 1% बराबर दोस्तों कितना अंक होगा बताइए, 25% बराबर 50 अंक तो 1% बराबर 50/25 यानी कि 2 अंक। यहां तक क्लियर हो गया, देखिएगा समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। 1% बराबर दोस्तों जब 2 अंक है तो 24 अंक बराबर कितने परसेंट होंगे, यहां पे ऊपर वाली लाइन ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक बार मिटा के आपको बताता हूं 1% बराबर क्या आया है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा 1% बराबर हमने क्या निकाला दोस्तों 1% बराबर 2 अंक और ये 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो 24 अंक बराबर कितने परसेंट होंगे बताइए। 1% बराबर जब 2 अंक है तो 24 अंक बराबर क्या होगा दोस्तों 12% होगा, 12% बराबर 24 अंक, क्लियर है कि नहीं। तो ये 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है यानी 12% से अनुत्तीर्ण हुआ है। तो यहां पे पूछा है दोस्तों परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, 12% से अनुत्तीर्ण हुआ है और 20% अंक इसे मिला है, 20 और 12 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 32%, यानी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दोस्तों 32% अंक आवश्यक है, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 32% हो जाएगा। चलिए आप चाहे तो दोस्तों दूसरे वाले स्टेप से भी निकाल सकते हैं, जो अरविंद है दोस्तों 45% अंक पाया है और 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया यानी 26 अंक ज्यादा है, तो 26 अंक बराबर दोस्तों क्या होगा 13% होगा कि नहीं, 13% होगा ना। तो देखिए 45 में से आप 13 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों अभी क्या आएगा 32% ही आएगा, यानी 32% क्या है दोस्तों उत्तीर्णांक है, यानी देखिएगा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक आवश्यक है 32%, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 32% होगा। अगर जो परीक्षा का पूर्णांक पूछता तो दोस्तों आप क्या करते हैं 1% बराबर जैसे 2 अंक लिखा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 200 अंक, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन है तो दोस्तों आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, इसके लिए बेहद आसान तरीका यही है। क्या करना है एक बार और समझाता हूं दोस्तों, बस दोनों तरफ करना क्या है दोस्तों, जैसे फेल हुआ है तो इसको प्लस कर लीजिए और जो ज्यादा पाए पास पाया है तो इसको माइनस करके दोनों तरफ बैलेंस कर लीजिए और परसेंटेज को एक तरफ कर लीजिए और नंबर को एक तरफ कर लीजिए और कितने परसेंट बराबर कितना अंक आ जाएगा ये वाला, तो तुरंत आपका आंसर भी आ जाएगा। बस इतना ही किया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए लास्ट में दोस्तों आपसे एक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन भी पूछूंगा, टेस्ट के तौर पर क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है उसका सही आंसर क्या होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम में दोस्तों लगभग दोस्तों 8 से 10 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो देखेंगे ये 8 से 10 बार रिपीट कर चुका क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर जो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस किए होंगे तो। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणन पता करें। तो दोस्तों इसको हम xy मान के सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा और सॉल्व भी करिएगा। देखिए क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, तो मान लेंगे वो संख्याएं दो धनात्मक कौन है दोस्तों x और y है, तो कह रहा है दोस्तों जोड़ मतलब x प्लस y बराबर क्या दिया है दोस्तों 30 दिया हुआ है, और फिर कह रहा है उनका अंतर 6 है, यानी कि x माइनस y अंतर क्या होगा x माइनस y बराबर
बराबर क्या है दोस्तों, 6 दिया हुआ है। चलिए दोनों समीकरण को आप जोड़ लीजिए, तो ये वाला वाई वाई प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। 2x बराबर 30 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, जब 2x बराबर 36 तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। x बराबर जब दोस्तों 18 आ गया तो y बराबर क्या होगा, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो दोस्तों जो x है ना यहां पे हम 18 रख देंगे तो ये बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 30 में से 18 जाएगा तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो y बराबर दोस्तों क्या होगा, y बराबर 12। तो संख्याएं कौन है दोस्तों, 18 और 12 है। तो देखिए अब यहां से आपका आंसर भी मिल रहा होगा, देखिए यहां पे कह रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, 18 12 का योग क्या होगा, 30 होगा और उनका अंतर 6 है। 18 12 का अंतर क्या होगा, 18 में से 12 घटाएंगे 6 होगा। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, उनका गुणन पता करे, यानी गुणन का मतलब हो कह रहा है x गुणे y की वैल्यू पूछ रहा है। तो x गुणे y का मतलब क्या होगा दोस्तों, 18 गुणे 12 पूछ रहा है। तो 18 गुणे 12 का मतलब क्या होगा, 18 दुना के 36 का 6 हो जाएगा, 18 कम 18 3 21 हो जाएगा, यानी कि गुणा करेंगे तो 216 होगा। उनका गुणन क्या होगा दोस्तों, 216 हो जाएगा। अब देखिए 216 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट है वो लोग हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों हम उन्हीं प्रश्नों को कराते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए भी ना दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों बहुत से स्टूडेंट देखे हैं एक्स मान के सॉल्व करते हैं, एक्स मानना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है सेकेंडों में। देखिएगा कैसे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन है एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 25 सवाल है और सही जवाब के लिए क्या है 4 अंक दिया जा रहा है और गलत जवाब के लिए क्या है दोस्तों 2 अंक काट लिया जा रहा है और क्या हो रहा है सीमा को दोस्तों कितना अंक मिला है 70 अंक प्राप्त है, कह रहा है उसने कितने सवाल सही हल किए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों गो थ्रू ऑप्शन, क्या होता है दोस्तों गो थ्रू ऑप्शन, यानी कि हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और सेकंडों में आंसर ला देंगे। कैसे, देखिए मानेंगे दोस्तों पहला ऑप्शन, सीमा ने 10 सवाल सही किए, 10 सवाल सही करेगी तो इसे टोटल नंबर कितना मिलेगा दोस्तों, बताइएगा टोटल नंबर कितना मिलेगा, 10 × 4 यानी नंबर क्या मिलेगा दोस्तों 40 नंबर, लेकिन पाई कितना है 70, क्या पहला ऑप्शन सही हो सकता है, नहीं होगा। अगर 15 सवाल ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं तो क्या होगा, 15 सवाल सही किए तो 15 × 4 नंबर क्या होगा दोस्तों 15 × 4 = 60, इसे तो मिला है 70, अब यहां पे हो रहा है 60, तो ये वाला दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को लेंगे तो 20 × 4 नंबर क्या होगा दोस्तों 80, देखिएगा ये 70 से ज्यादा है, ठीक है 80 हो गया, जब 20 सवाल सही किया है तो 5 सवाल दोस्तों क्या की होगी गलत की होगी, देखिएगा 25 सवाल किए ना तो यहाँ पे क्या है जब 20 सवाल सही हो गया तो नंबर मिलेगा 80 और 5 जब गलत कर दी तो गलत उत्तर के लिए क्या है दोस्तों 2 अंक माइनस है, तो 5 × 10 यानी कि 10 अंक क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, जब 80 में से दोस्तों 10 अंक हम घटा लेंगे तो क्या होगा दोस्तों 70, यानी सीमा को अंक कितने मिले हैं दोस्तों 70 मिले हैं और यहाँ पे भी 70 कह रहा है, यानी कि टोटल सवाल कितने सही किए हैं दोस्तों सीमा ने 20 सवाल, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमा ने 20 सवाल सही किए, क्या आंसर होगा 20 सवाल। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, और दोस्तों सारे क्लासेस की टाइमिंग भी आप नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो डेली मॉर्निंग में दोस्तों आपको बता दूं 5 AM पे दोस्तों मैम
साइंस सॉरी करंट अफेयर की क्लास लेके आती हैं, करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हैं। और 2 PM पे दोस्तों एक और मैम है जो आपके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको कराती हैं। और डेली दोस्तों 8 PM पे मैं आपके लिए एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग की क्लास लेके आता हूँ, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराता हूँ। तो डेली 3 क्लासेज एसएससी मेकर पे चलती है दोस्तों, तीनों क्लासेज को आप ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, वो भी चैप्टर हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, ये टेस्ट का प्रश्न है, ये आज का प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, मैथ का पार्ट नंबर 68 देख लेंगे। पार्ट नंबर 68 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 68 में दोस्तों इसको फुल डिटेल में मैं समझा हूं, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 68 आपको मिलेगा दोस्तों, इसका लिंक यहां ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं दोस्तों, यहां आई बटन पे क्लिक करके दोस्तों आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 68 देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ईबुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों। इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। इस ईबुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट होंगे वो हमसे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।